तो अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके अब हम इसको पहले रीड करते हैं। अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑफ 10 TR, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी आपको कितना दे रखा है 10 TR, 1 TR में कितने किलोवाट होते हैं 3.5 किलोवाट। कूलिंग कैपेसिटी हैज अ कंडेंसर एंड इवेपोरेटर टेम्परेचर ऑफ 45 डिग्री सेल्सियस एंड -20 डिग्री सेल्सियस। सो उसका सेचुरेशन प्रेशर और टेम्परेचर जो दे रखे हैं वो किस पे दे रखे हैं 45 डिग्री सेल्सियस और -20 डिग्री सेल्सियस पे। द वेपर लीविंग द इवेपोरेटर सबकूल्स द लिक्विड, द वेपर लीविंग द इवेपोरेटर सबकूल्स द लिक्विड लीविंग द कंडेंसर। ये ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जिसकी वजह से इस क्वेश्चन को हमने इंक्लूड किया है। ये इंपॉर्टेंट कैसे बन रहा है कि इसके केस के अंदर ये लिख रखा है कि वेपर जो लीव कर रहा है इवेपोरेटर को, तो इवेपोरेटर को उसने सैचुरेटेड वेपर के ऊपर लीव कर दिया, ओके, और वो सबकूल कर रहा है लिक्विड को जो कि कंडेंसर को लीव कर रहा है। तो इसका मतलब इसमें कंडेंसर को लीव करने के बाद में उसके केस में सबकूलिंग हो रही है, ओके, और इवेपोरेटर को लीव करने के बाद में उसके केस के अंदर क्या हो रही है सुपर हीटिंग। सो इस केस के अंदर सुपर हीटिंग और सबकूलिंग दोनों चीज़ें हो रही हैं, बट सुपर हीटिंग और सबकूलिंग एक केस हो सकता है, इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में। सुपर हीटिंग एक केस हो सकता है कि इवेपोरेटर के अंदर हो, ओके, और सबकूलिंग किसके अंदर होगी, सबकूलिंग होगी कंडेंसर में, ठीक है। बट एक दूसरा केस क्या होता है कि सुपर हीटिंग एंड सबकूलिंग किसके अंदर हो रही है हीट एक्सचेंजर में, क्योंकि जब हीट एक्सचेंजर वर्ड आता है तो उसके केस में सुपर हीट भी होगा और सबकूल भी होगा, क्योंकि हीट लॉस और हीट गेन, सो दोनों चीज़ें क्या होंगी साइमल्टेनियसली। तो इन दोनों केसेस में अगर आप क्वेश्चन को पढ़ के ये समझ नहीं पा रहे हो कि वो केस नंबर 1 का है कि सुपर हीटिंग इवेपोरेटर में हो रही है, ठीक है, लेट अस अज्यूम दिस इज योर केस नंबर 1 एंड दिस इज योर केस नंबर 2, ओके। सो उस केस के अंदर, इस केस में और इस केस में, दोनों केसेस में आंसर अलग आएगा। किसका आंसर अलग आएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का आंसर अलग आने से क्या फ़र्क पड़ेगा, आपका COP का आंसर गलत आएगा। और क्योंकि इस क्वेश्चन में आप पढ़ रहे हैं कि शुरू में 10 TR कैपेसिटी दे रखा है, सो RC = क्या होता है m.RE। जब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का एक्सप्रेशन अगर गलत हो गया तो मास फ्लो रेट गलत हो जाएगा, उससे पावर इनपुट भी गलत आ जाएगा। तो इट मीन्स दोनों ही केसेस में सुपर हीटिंग और सबकूलिंग हो रही है, पर दोनों केसेस में एक्सप्रेशन जो होगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का चेंज हो जाएगा, तो वो मैं डिटेल में अभी डिस्कस करूँगा। बट दूसरी चीज़, इस क्वेश्चन को हमने क्यों इंक्लूड करा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं पे भी नाम नहीं लिया है हीट एक्सचेंजर का। तो जब आप अपने प्रीवियस ईयर के गेट के ऑब्जेक्टिव्स और इंजीनियरिंग सर्विसेज के कन्वेंशनल क्वेश्चन देखोगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें हीट एक्सचेंजर वर्ड डायरेक्टली मेंशन होगा, तो वो सिंपल केस है क्योंकि डायरेक्टली आपको हीट एक्सचेंजर गिवन है, तो डायरेक्टली आप कंसेप्ट को यूज़ करके क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। बट इस क्वेश्चन में आपको हीट एक्सचेंजर का वर्ड कहीं पे भी नहीं दे रखा, बट फिर भी हमें समझ आ रहा है कि हीट एक्सचेंजर का क्वेश्चन है। कैसे, इस लाइन की वजह से कि वेपर लीव कर रहा है इवेपोरेटर को, किस में वेपर लीव कर रहा है इवेपोरेटर को और वो सबकूल कर रहा है लिक्विड लीविंग द कंडेंसर को, ओके। तो इसका मतलब सुपर हीटिंग और सबकूलिंग दोनों चीज़ें हो रही हैं, पर वो किस में हो रही है, हीट एक्सचेंजर के अंदर, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, 45 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो टेम्परेचर भी दे रखा है सबकूलिंग का, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि कंडेंसर का शुरू में क्या टेम्परेचर दे रखा था, कंडेंसर का 45 डिग्री सेल्सियस, बट कंडेंसर को जो वो लीव कर रहा है उसके बाद में क्या हो रही है सबकूलिंग, तो सबकूलिंग कितने टेम्परेचर तक हो रही है 25 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। देन ड्रो द TS डायग्राम, हमें TS डायग्राम बनाना है इसका। कंसिडर आइसेंट्रॉपिक कंप्रेशन, स्टैंडर्ड दे रखा है जो हम लेते ही हैं, आइसोबारिक हीट एब्जॉर्प्शन एंड रिजेक्शन। आइसोबारिक मीन्स क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एड होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्ट होता है। तो वो ऑलरेडी मैं पिछले क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ कि इवापोरेटर और कंडेंसर आर द टाइप ऑफ ए हीट एक्सचेंजर एंड बोथ आर ऑपरेटिंग एट कांस्टेंट प्रेशर। इवापोरेटर में हीट एब्जॉर्ब होती है और कंडेंसर में हीट क्या करता है, रिजेक्ट करता है। अब अपने को निकालना क्या क्या है, हमको निकालना है मास फ्लो रेट, कंप्रेसर वर्क, कंडेंसर हीट रिजेक्शन एंड COP। तो ऑलमोस्ट उसने सारी चीज़ें ही पूछ ली आपसे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को निकालने से पहले आपको क्या आना चाहिए, TS डायग्राम। तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको ये समझाया था कि जब भी VCRS का क्वेश्चन करोगे तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, TS डायग्राम। और TS डायग्राम में क्या ध्यान रखना है कि उनकी पॉइंट की लोकेशन क्या होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। तो ये लास्ट क्वेश्चन से अलग किस सेंस में है, लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसके अंदर वेट कंप्रेशन था, ओके, अगर आपको याद हो तो उसके केस के अंदर हमने क्या करा था, उसके केस के अंदर क्वेश्चन में मेंशन था वेट कंप्रेशन, ओके, वेट कंप्रेशन मेंशन था। बट उस केस के अंदर हम पॉइंट 2 के अंदर कंफ्यूज्ड हो रहे थे कि पॉइंट 2 कहाँ पे होगा, ओके। सो पॉइंट 2 को फाइंड आउट करने के लिए हमने S1 की वैल्यू निकाली थी और उसको फिर कंपेयर करा था SG से कंडेंसर के कोरस्पॉन्डिंग, और फिर वहाँ से पॉइंट 2 की लोकेशन निकाली थी, ओके, और सब कूलिंग भी हो रहा था।
इस केस के अंदर वेट कंप्रेशन नहीं है, ओके इस केस ये एक डिफरेंट केस हो गया जिसके अंदर हीट एक्सचेंजर का यूज़ हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं पहले आपको हीट एक्सचेंजर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, जिसके बेसिस के ऊपर आपके गेट में भी बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो पहले हम हीट एक्सचेंजर के बारे में समझते हैं कि VCRS के अंदर कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक। सो उसके लिए TS डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अभी मैं इस क्वेश्चन का TS डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं सिर्फ बेसिक हीट एक्सचेंजर की पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ कि उसके कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। सो देखते हैं, ये हो गया T और ये S, ठीक है। अब इसके केस के अंदर कंडेंसर, दोनों के दोनों कंडेंसर और इवापोरेटर, दोनों के दोनों कैसे होते हैं, हीट एक्सचेंजर एंड ऑपरेटिंग एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। सो इवापोरेटर के अंदर, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इवापोरेटर के अंदर और कंडेंसर के अंदर यहाँ पे आपका सब कूलिंग और सुपर हीटिंग नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये जो वाइट से जो मैंने बनाया है, ठीक है, तो इसके केस के अंदर ये जो सेक्शन हो रहा है ही सब कूलिंग का, ओके, और ये जो सुपर हीटिंग का हो रहा है ये किसके अंदर हो रहा है, हीट एक्सचेंजर के अंदर हो रहा है, ठीक है। अब पहले कंप्लीट कर लेते हैं डायग्राम। ये आपका क्या हो गया, थ्रॉटलिंग, ओके, और ये आपका हो गया इवापोरेटर सेक्शन, ठीक है। इसको हाईलाइट कर देते हैं, हीट एक्सचेंजर वाले पॉइंट्स को, ठीक है। ये 5 आएगा और ये 6, ये हीट एक्सचेंजर है, ठीक है। और बेसिक वाले को रेड से ही लिख देते हैं जिससे आप क्लियरली समझ पाएँ कि कौन सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो इसके केस में सबसे पहले हमें ये हीट एक्सचेंजर का गायब हो रहा है, तो ये हीट एक्सचेंजर। सो इसमें सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन सा पोर्शन इवापोरेटर के अंदर है, कौन सा कंप्रेसर में, कौन सा कंडेंसर में, क्योंकि इवापोरेटर का सेक्शन आपको क्यों फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक्चुअली में जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा एक्सप्रेशन का, क्योंकि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज अ टर्म रिलेटेड विद ओनली इवापोरेटर। तो इवापोरेटर इस केस के अंदर कौन सा सेक्शन है, 7-7, तो मैं सेपरेटली लिख देता हूँ क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर होंगे। तो इवापोरेटर में 7 पे एंटर कर रहा है और 1 पे लीव कर रहा है, तो ये 2 सेक्शन मत ले लेना, ठीक है। सो नॉर्मली स्टूडेंट्स का मिस्टेक करते हैं कि वो 2-7 लिख देते हैं और ये गलत हो जाता है। तो यहाँ पे सुपर हीटिंग इवापोरेटर में नहीं हो रही, ठीक है। सो अगर इवापोरेटर में सुपर हीटिंग होगी वो क्लियरली मेंशन होगा क्वेश्चन में, तो उस केस में 2-7 लोगे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट कंप्रेसर, बट कंप्रेसर के अंदर जो एंट्री कर रहा है वो एंट्री 2 पॉइंट के ऊपर ही कर रहा है और लीव कहाँ कर रहा है, 3 पॉइंट के ऊपर, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कंडेंसर हीट रिजेक्शन का, तो उसमें भी फिर मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, सो 3 पे एंटर करा, ये 4 पे, ये 5 पे। अब इसके केस में कुछ स्टूडेंट शायद गलती से ये ले लें कि 6 हो गया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा है कंडेंसर हीट रिजेक्शन, तो आप गलती से शायद ही हो सकता है कि S3-S6 कर दें, पर वो गलत होगा। तो इस केस में 6 को नहीं लेना है, वो कंडेंसर में एंट्री कहाँ कर रहा है, 3 पे, और कहाँ पे एग्जिट कर रहा है, 5 पे। यही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट थ्रॉटलिंग, तो अगर आप थ्रॉटलिंग को देखोगे, थ्रॉटलिंग सेक्शन, थ्रॉटलिंग सेक्शन कहाँ से कहाँ है, 6-7, ठीक है। अब इसके केस के अंदर जो हीट एक्सचेंजर का सेक्शन हो रहा है वो हीट एक्सचेंजर वाला सेक्शन किस में हो रहा है, 1-2 और 5-6 में। तो इसके बारे में आप HMT में भी बहुत डिटेल के अंदर पढ़ते हो, और इनफैक्ट वहाँ पे एक चैप्टर ही आता है कि कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, और लास्ट चैप्टर एक निकल के आता है हीट एक्सचेंजर। तो वहाँ पूरे टॉपिक के अंदर ही क्या लगाते हैं आप, हीट लॉस्ट बाय वन बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय अनदर बॉडी। तो इसका मतलब हीट एक्सचेंजर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या समझनी है कि अगर क्वेश्चन में हीट एक्सचेंजर वर्ड है तो इसका मतलब आपको हीट लॉस और हीट गेन दोनों चीज़ें लेनी है, मतलब सुपर हीटिंग, ओके, और सब कूलिंग, ये दोनों की दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली होंगी, ओके। सो कई बार आपके जो गेट में क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव्स, इसके बाद आप देखिएगा अगर जाके, तो आपको पता चलेगा कि उसके केस के अंदर क्वेश्चन में जानबूझ के एग्जामिनर एक चीज़ करता है कि क्वेश्चन के अंदर कह देता है कि सुपर हीटिंग हो रहा है हीट एक्सचेंजर में एंड हैविंग सम टेम्परेचर, आपको टेम्परेचर की वैल्यूज भी प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। और फिर आपको जो सब कूलिंग का टेम्परेचर है, सब कूलिंग का जो टेम्परेचर है वो गिवन नहीं देगा, ठीक है, सब कूल्ड का टेम्परेचर। मतलब अगर मैं इस TS डायग्राम को देखूं, ठीक है, इस TS डायग्राम को देखूं, तो इस केस में कह सकता हूं कि मैं T6 की वैल्यू अनोन कर देगा। तो उसके केस में कई बार आप ये मिस्टेक करते हो कि ये मान लेते हो कि जितना डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग हुआ है उतना ही डिग्री ऑफ क्या हुआ है, सब कूलिंग, फिर ये दूसरी मिस्टेक हो जाती है। तो एक मिस्टेक, तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं आप। तो एक तो मिस्टेक क्या आती है कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का फॉर्मूला कुछ लोग गलती से S2-S6 लिख देंगे, ये गलत है, ठीक
ठीक है। और अगर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट गलत हो गया तो उसके केस में सीओपी भी गलत होगा, क्योंकि सीओपी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, ठीक है। सो फिर हमें लिखना क्या है, क्वेश्चन ये उठता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का फॉर्मूला क्या आएगा, H1, सॉरी ये H6 नहीं, यहाँ पे मैंने गलती से H6 लिख दिया, ठीक है, ये होगा H7, ये लिख देते हैं कुछ बच्चे गलती से H2 - H7, ठीक है। वैसे H6 भी सही है, क्योंकि अगर देखा जाए, क्योंकि H6 और H7 क्या है, सेम है थ्रॉटलिंग, ठीक है। नेक्स्ट, बट आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है H1 - H7, ठीक है, आपको लिखना है H1 - H7। तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हीट एक्सचेंजर के केस के अंदर, ठीक। नेक्स्ट थिंग, वर्क इनपुट जो होगा कंप्रेसर का, ठीक है, वर्क इनपुट जो कंप्रेसर का होगा वो कहाँ से कहाँ लिखेंगे, 2 से 3 जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, S3 - S2, ओके, S3 - S2। नेक्स्ट, कंडेंसर हीट रिजेक्शन, अगर आपसे ये पूछता है कंडेंसर हीट रिजेक्शन, तो कंडेंसर में एंट्री कहाँ कर रहा है, 3 पे, और एग्जिट कहाँ कर रहा है, 5 पे, ठीक है। तो उस केस के अंदर ये क्या हो जाएगा, S3 - H5, ओके। और जो थ्रॉटलिंग है, थ्रॉटलिंग क्योंकि आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है और इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, तो 6 से 7 हो रहा है, तो H6 = क्या लिख दोगे, S7। तो अब जो दूसरी मिस्टेक मैं आपको बता रहा था, दूसरी मिस्टेक क्या होती है कि कई बार वो आपको ये जो T1 है इसको देखते हैं डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज टेम्परेचर T1 आएगा, ठीक है, ये T2 आएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग T6 आएगा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, T5 आएगा, ठीक है। सो अब इस केस के अंदर वो क्या करेगा, इस केस के अंदर कई बार वो आपके साथ गेम खेलते हैं, T1 और T5 ये तो वैल्यूज दे देंगे। अब T2 T6 में से सपोज उसने T2 दे दिया तो आपको T6 नहीं देगा, या T6 दे देगा तो आपको T2 नहीं देगा। तो उस केस में दूसरी मिस्टेक क्या हो जाती है, कुछ लोग बाय डिफॉल्ट ऐसा मान लेते हैं कि जितना डिग्री ऑफ सुपर हीट हो रहा है उतना ही डिग्री ऑफ सब कूलिंग हो रहा है, ऐसा नहीं करना। तो दूसरी मिस्टेक ये तो मैं उसको लिख भी देता हूँ, ठीक है, देखिए कि डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग इज इक्वल टू डिग्री ऑफ सब कूलिंग, ठीक है। मीन्स कुछ गलती से लिख देंगे T2 - T1 एंड T5 - T6। यहाँ देखिए ये सुपर हीटिंग कहाँ से कहाँ हो रहा है, 1 से 2, ओके, और सब कूलिंग कहाँ से कहाँ हो रहा है, 5 से 6, ठीक है। और T2 - T1 = T5 - T6 ये नहीं लिखना है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसको यूज़ नहीं करना है। अगर आप यहाँ से यूज़ करके आंसर निकालोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। तो फिर हम लोग टेम्परेचर निकालेंगे कैसे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ जाएगा, ठीक है, कि यार आपको T1 T2 T5 दे रखा है, आपको T6 तो चाहिए, या T6 दे रखा है तो T2 चाहिए, तो आंसर कैसे निकालोगे। तो उस केस में एक प्रिंसिपल आप यूज़ करोगे कि H2 - H1 = H5 - H6, तो ये करेक्ट है कि एंथैल्पी राइज और एंथैल्पी ड्रॉप सेम होगा, टेम्परेचर राइज टेम्परेचर ड्रॉप सेम नहीं होगा। तो अब ये ऐसा क्यों हुआ कि ये गलत हो गया, ये गलत इसलिए हुआ क्योंकि एक जगह वेपर है और एक जगह क्या है, लिक्विड्स है। तो इसके केस में अगर आप ध्यान दोगे तो ये CP of, इसको भी मैं हाईलाइट करता हूँ, यहाँ CP of किसका आएगा, वेपर का, ठीक है, CP of वेपर आएगा, इनटू ये क्या होगा, T2 - T1 = यहाँ पे CP किसका आएगा, यहाँ पे CP आएगा लिक्विड का, ओके, CP ऑफ लिक्विड, और ये क्या हो जाएगा, इनटू T5 - T6। सो प्लीज़ ये मिस्टेक्स याद रखिएगा, ठीक है, ये मिस्टेक्स नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहली चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि रेफ्रिजरेशन जो इफेक्ट है, अगर हीट एक्सचेंजर का क्वेश्चन होगा तो उस केस में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आप क्या लेंगे, 7 से 1, ठीक है, 2 नहीं लेना है। और अगर हीट एक्सचेंजर का क्वेश्चन होगा और कंडेंसर हीट रिजेक्शन आपसे पूछेगा तो 3 से 5 लेना, ठीक है। दूसरी मिस्टेक, जितना टेम्परेचर राइज है उतना ही टेम्परेचर ड्रॉप होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक साइड यहाँ वेपर है और एक साइड क्या है, लिक्विड है, तो डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग और सब कूलिंग सेम नहीं होगी, तो सेम क्या होगा आपका, एंथैल्पी राइज और एंथैल्पी ड्रॉप। तीसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक, वो कई बार आपके साथ कैसे गेम खेलते हैं, आप प्लीज़ घर जाके प्लीज़ ज़रूर सॉल्व करिएगा, ठीक है, लास्ट ईयर के गेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसके केस के अंदर उसने एक वर्ड मेंशन कर रखा है कि सब कूलिंग हीट एक्सचेंजर, ठीक है, और उसने उस पूरे क्वेश्चन में कहीं नाम ही नहीं लिया इवेपोरेटर का अंदर सुपर हीटिंग का, ठीक है, सुपर हीटिंग का कहीं नाम ही नहीं लिया। तो उस केस में बच्चा कन्फ्यूज क्या हो जाता है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे उस क्वेश्चन के अंदर कर क्या रखा है,
जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो ऑब्जेक्टिव में आपके आया हुआ है, गेट में भी आया है, ईएस में भी आया है, उसके केस के अंदर क्वेश्चन में क्या लिख रखा है कि उसमें सैचुरेशन प्रेशर टेम्परेचर दे रखे हैं कंडेंसर और इवोपरेटर के कोरिस्पॉन्डिंग, और सबकूलिंग हीट एक्सचेंजर लिख रखा है. तो उस केस के अंदर कहीं पे भी सबकूलिंग हीट एक्सचेंजर लिख रखा है बट कहीं पे भी सुपर हीटिंग की बात नहीं करी. तो बच्चा क्या करता है, बच्चा ये डायग्राम बना लेता है. ठीक है, सो ये डायग्राम 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 तो ठीक है, उसकी कोई मिस्टेक नहीं. तो उसको ऐसा लगता है कि सुपर हीटिंग वर्ड नहीं है तो उस केस में नहीं होगा. बट आपको क्या ध्यान देना है, ठीक है, तो सब कूलिंग हीट एक्सचेंजर आपको क्या ध्यान देना है. मैंने क्या बताया कि जब हीट एक्सचेंजर वर्ड है और अगर सुपर हीटिंग की बात नहीं करी है तो इसका मतलब ये नहीं कि सुपर हीटिंग नहीं होगी, सुपर हीटिंग होगा. तो इसका मतलब अगर हीट एक्सचेंजर वर्ड है तो सुपर हीटिंग और सब कूलिंग दोनों चीज़ें होंगी, क्योंकि हीट लॉस बाय वन बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय अनदर बॉडी. तो अगर आप इस केस के अंदर 1, 2, 3, 4 ऐसे करेंगे और आप वैल्यूज निकाल लोगे H1, H2, H3, H4, H5, H6 की, तो उसके बाद जब आप सी ओ पी निकालेंगे तो वो गलत हो जाएगा. तो अब अगर हीट एक्सचेंजर वर्ड है तो उसके केस के अंदर आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसने सुपर हीटिंग के बारे में वर्ड यूज नहीं करा है ना, पर फिर भी सुपर हीटिंग होगा. बट ये आपको ये ऐसे दे दिया, ठीक है. सो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है. सो उस केस के अंदर आपका सी ओ पी इस तरह से निकल जाएगा. तो सी ओ पी होता क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट. तो ये तो मैंने आपको समझा ही दिया कि 1-7 लेना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट. 1 से 2 तो सेक्शन किसके अंदर है, 1 से 2 जो सेक्शन है वो किस में है, हीट एक्सचेंजर के अंदर है. ओके, हीट एक्सचेंजर में. तो और अपॉन वर्क इनपुट क्या लेना है, H3, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेसर का जो एंट्री है वो क्या है, 2, और एग्जिट क्या है, 3. तो H3 माइनस H2. ओके, H3 माइनस H2. तो हीट एक्सचेंजर के केस के अंदर प्लीज़ आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है. बट मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हीट एक्सचेंजर वर्ड ही नहीं है, बट फिर भी वो क्वेश्चन किसका है, हीट एक्सचेंजर का. तो अगर आप ध्यान दोगे इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, जब आप पढ़ोगे तो कहीं से भी आपको हीट एक्सचेंजर सीधा वर्ड मेंशन नहीं कर रखा. तो बट आपके गेट में और ईएस में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स और कन्वेंशनल क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें हीट एक्सचेंजर वर्ड्स दे रखे हैं. तो उस केस के अंदर आप डायरेक्टली उसके अंदर ये मिस्टेक्स को अवॉइड करके आप आंसर्स निकाल सकते हो, ठीक है. बट इस क्वेश्चन से आपको यह भी समझ आएगा कि हीट एक्सचेंजर के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं. दूसरा यह भी समझ आएगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि जब वर्ड नहीं है तो आपको कैसे समझ आएगा. तो उस केस के अंदर क्या है कि वेपर लीविंग द इवोपरेटर सबकूल द लिक्विड रेफ्रिजरेंट लीविंग द कंडेंसर. तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इस पूरे क्वेश्चन के अंदर यह है, ये ओके, ये चीज, ठीक. तो यहाँ से आपको समझ आएगा कि ये क्वेश्चन किसका है, हीट एक्सचेंजर का. और फिर वो उसके बाद मिस्टेक्स का क्या बताई मैंने आपको, सबसे नंबर वन कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कौन सा सेक्शन लेना है. सपोज अगर मैं यही डायग्राम ले लेता हूँ तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 2-7 नहीं, क्या लेना है, 1-7, ठीक है. यहाँ देखिए मैंने प्रॉपरली ऊपर लिखा भी है. तो प्लीज़ इस वीडियो को स्टॉप करके प्लीज़ इस पॉइंट्स को जरूर लिख लीजिएगा, ओके. सो इसको अवॉइड, इसको ऐसा मत सोचिएगा कि ये कुछ ऐसे ही फालतू चीज़ डिस्कस हो रही है. ये मैं डिस्कशन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव के पार्ट ऑफ व्यू से, ठीक है. तो वहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होगा, 2-7 नहीं, 1-7, और वर्क इनपुट कंडेंसर का हीट रिजेक्शन 3-5 होगा. और उस दूसरी मिस्टेक क्या होगी कि टेम्परेचर ड्रॉप के इक्वल नहीं होगा. तो एंथैल्पी राइज एंथैल्पी ड्रॉप के इक्वल होगा क्योंकि सीपी ऑफ लिक्विड सीपी वेपर सेम है. और तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक, अगर हीट एक्सचेंजर वर्ड है और अगर उसमें सिर्फ एक ही चीज़ गिवन है, सबकूलिंग हीट एक्सचेंजर या सुपर हीटिंग, ठीक है. सपोज उसने सबकूलिंग हीट एक्सचेंजर बोला और सुपर हीटिंग नहीं लिखा, या सुपर हीटिंग हीट एक्सचेंजर बोला और सबकूलिंग नहीं लिखा, तो इसका मतलब आपको ये नहीं करना है कि उसी प्रोसेस को लेना है जो गिवन है और दूसरे को नेगलेक्ट कर देना है. नहीं, अगर हीट एक्सचेंजर वर्ड है, लिक्विड वेपर रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर, कई बार क्वेश्चंस में आपको ऐसे भी मिलेगा, तो उस केस के अंदर आपको क्या करना है, आपको सुपर हीटिंग और सबकूलिंग दोनों चीजें बनानी है, ठीक है. अब क्वेश्चन एक और ये आता है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है. अब मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूं कि अगर मैं एक केस लेता हूं सिंपल, सपोज देखिए, अगर मैं एक केस लेता हूँ TS ध्यान से सुनिएगा, हम
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, ठीक है। एक सुपर हीटिंग अचीव करने का एक तरीका क्या हो सकता है, आप सुपर हीटिंग इवोपरेटर में कर दो। अगर सुपर हीटिंग आप इवोपरेटर में करेंगे तो उस केस में फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2-7, सिंपल। बट अगर आप हीट एक्सचेंजर का यूज करेंगे, हीट एक्सचेंजर, ओके, VCRS में, तो उस केस के अंदर क्या आ जाएगा, H1-S7। तो इसका मतलब मेरे को सीधा सीधा ये समझ आ रहा है कि रेफ्रिजरेशन फैट की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, डिफरेंट आ रहा है, ठीक है, आंसर भी डिफरेंट आएगा। तो उसके केस में अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि हीट एक्सचेंजर को हम यूज़ करते क्यों हैं, ठीक है। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंटरव्यू में भी आया हुआ है और आपके गेट के अंदर भी पूछा हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली हम हीट एक्सचेंजर सिर्फ और सिर्फ इसलिए यूज़ करते हैं टू रिड्यूस द साइज ऑफ द इवापोरेटर। तो इवापोरेटर का साइज को वो रिड्यूस करने में आपका क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। इवापोरेटर के साइज को रिड्यूस करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। अब एक चीज़ और, क्योंकि जब ये सारी बात आई है तो सुपर हीटिंग और सब कूलिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं। सो सुपर हीटिंग होता क्या है, ठीक है, अगर आप चाहें तो आप इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। सुपर हीटिंग क्या होता है, सुपर हीटिंग मीन्स इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ओके, मैं लिख देता हूँ प्रॉपरली, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ increasing the temperature, okay, at constant pressure above, अभी भी पूरी complete नहीं हुई है, ये भी word use करना है, above saturated vapor line, okay, so देखिए ध्यान से, it is a process of increasing the temperature, तो increasing the temperature, okay, at constant pressure, तो आपको मैंने सेकेंड लेक्चर के अंदर ही जब हमने कार्नोट रेफ्रिजरेशन वाला एक क्वेश्चन किया था तो उसके केस में आपको समझाया था कि कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन आर रिप्रेजेंट इन दिस मैनर, और इनफैक्ट आपने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन करें इसके ऊपर, ठीक है। तो ये कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन आ गई, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर अबव किसके, सैचुरेटेड वेपर, तो ये सैचुरेटेड वेपर लाइन है और ये कौन सी है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, ठीक है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। सो सुपर हीटिंग होता है ये, सब कूलिंग क्या होता है, सब कूलिंग को भी देख लेते हैं। अच्छा हाँ, कई बार आपको सब कूलिंग का एक और दूसरा नाम भी आता है, सब कूलिंग को कुछ कुछ बुक्स के अंदर अंडर कूलिंग के नाम से भी लिख रखा है, ठीक है, तो बहुत आर द सेम थिंग, ठीक। तो सब कूलिंग क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर बिलो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, ओके। सो सब कूलिंग क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, देखो यहाँ पे ये टेम्परेचर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, दिस इज अ कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन, ओके, बिलो सैचुरेटेड लिक्विड, ठीक है। सो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो इसमें मेजर मिस्टेक्स होती हैं वो मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हीट एक्सचेंजर के अंदर, तो अब हम डायरेक्टली सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे और डायरेक्टली फिर आंसर्स निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंडेंसर का कितना दे रखा है, 45, इवापोरेटर का फेज चेंज सैचुरेशन टेम्परेचर कितना दे रखा है, -20, और यहाँ पे आपको सब कूलिंग का टेम्परेचर कितना दे रखा है, 25°C, ओके। सो 25°C, तो अब हम इसको यूज़ करते हैं सी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, TS डायग्राम बना लेता हूँ, ओके, TS डायग्राम। तो सबसे पहला स्टेप आपका किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का VCRS के, तो सबसे पहले स्टेप क्या है, जस्ट ड्रो TS डायग्राम, ओके। तो ये हमको क्लियर हो ही चुका है कि इस केस के अंदर क्या हो रहा है, सुपर हीटिंग और सब कूलिंग दोनों चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, बट वो किसके अंदर हो रही हैं, हीट एक्सचेंजर में, ठीक है, वो किसके अंदर हो रही हैं, हीट एक्सचेंजर के अंदर, हम्म,
1 मिनट. इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ. ये हीट एक्सचेंजर में पार्ट हो रहा है, ठीक है, ये हीट एक्सचेंजर के अंदर पार्ट हो रहा है. नेक्स्ट, इसके बाद किस में जा रही है? थ्रॉटलिंग के अंदर. और ये किस में सेक्शन हो रहा है? इवापोरेटर के अंदर, ठीक है. तो ये किस में सेक्शन हो रहा है? इवापोरेटर के अंदर, ठीक. अब हम इनको नंबरिंग दे देते हैं. सो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड नेक्स्ट थिंग इज डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज. ओके, डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज बिकॉज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है. अब हम टेम्परेचर्स को सेट कर लेते हैं. टेम्परेचर्स आपको क्या दे रखे हैं? देखिए 45 डिग्री सेल्सियस एंड -20 डिग्री सेल्सियस. ओके, 45 डिग्री सेल्सियस एंड -20 डिग्री सेल्सियस. तो ये जो टेम्परेचर है वो कितना है? 45. ओके, ये टेम्परेचर कितना है? -20 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट. और 45 से वो सब कूलिंग कहाँ तक हो रही थी? 45 से वो सब कूलिंग हो रही थी 25 डिग्री सेल्सियस तक. देखिए 45 डिग्री सेल्सियस से कहाँ तक हो रही थी? 25 डिग्री सेल्सियस तक. सो अब हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो 25 डिग्री सेल्सियस. तो सबसे पहली मिस्टेक, एक तो क्या कि हीट एक्सचेंजर के केस में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का फॉर्मूला क्या लिखोगे? 1 - 7. 2 - 7 नहीं लेना, ठीक है. दूसरा, सुपर हीटिंग और सब कूलिंग का डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग और सब कूलिंग का टेम्परेचर सेम नहीं होगा. तो मिस्टेक क्या हो जाती है? कुछ बच्चे लोग ये समझते हैं कि ये 20 है, 45 - 25 20 है, तो यहाँ पे भी कितने का होगा? 20 का. नहीं, तो यहाँ पे अब हम इसको क्या लिखेंगे? T2. ओके, तो T2 फैक्टर क्या है? अनोन है, वो हम निकालेंगे. तो अभी हम समझ जाएंगे, ठीक है. सो इसके केस के अंदर तो वो पार्ट हमने पहले ही कर लिया कि इवापोरेटर का सेक्शन कौन सा है? 7 से 1. कंप्रेसर कौन सा है? 2 से 3. कंडेंसर कौन सा है? 3 से 5. और थ्रॉटलिंग कौन सा है? 6 से 7. और हीट एक्सचेंजर कौन सा कहाँ हो रहा है? 1 से 2 और 5 से 6, ठीक है. अब हम सेकंड स्टेप क्या था कि सबसे पहले क्या करेंगे? TS डायग्राम. सेकंड स्टेप क्या था? हर पॉइंट की क्या निकालोगे? एंथैल्पीज, ठीक है. तो अब हम हर पॉइंट की एंथैल्पीज निकालते हैं और फिर डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज लिख देंगे. तो यहाँ पे ये H1, ठीक है, H2, यहाँ पे मैं वैल्यूज भी लिख दूंगा. H3, ओके, ये H4, ये H5 और H6 और H7, ये दोनों की वैल्यू क्या होंगी? सेम होगी, ठीक है. तो अब हम आंसर निकालना स्टार्ट करते हैं, ठीक. सो H1 बेसिकली क्या होगा? तो H1 बेसिकली क्या होगा? तो जो क्वेश्चन के अंदर टेबल गिवन है तो हम वहाँ से देखते हैं. देखिए H1 -20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ओके, -20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होगा. और H1 क्या है? HG1, ठीक है, 178.7, ठीक है, 178.7. और ये जो यूनिट्स हैं ये स्टैंडर्ड होंगी, ठीक है. वो क्वेश्चन की लास्ट लाइन में लिख भी रखा है, ऐसा यूनिट सेम किलो जूल पर केजी. ओके, और ये क्या होगा? किलो, सॉरी, यहाँ पे सिर्फ एक एंट्रोपी दे रखी है SG, ठीक है. ये क्या होगा? किलो जूल पर KG केल्विन. और ये भी, वैसे तो ये भी यूनिट सेम ही होंगी, किलो जूल पर KG केल्विन, स्पेसिफिक हीट दे रखी है, ठीक है. सो -20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर HG कितना है? 178.7, ठीक है. अब हम H2 पे चलते हैं. तो ये वैल्यूज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 178.7 सॉरी. तो स्टैंडर्ड यूनिट होंगी किलो जूल पर KG. अब H2 पे चलते हैं. तो जो 0.2 है वो कहाँ पे है आपका? सुपर हीटेड रीजन के अंदर है. सो इसका मतलब फॉर्मूला क्या लिखेंगे? HG1 + CP of vapor, ठीक है, CP of vapor -20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, मतलब आपका इवापोरेटर के ऊपर, ओके, इनटू T2 - T1, परफेक्ट. सो HG1 ये बेसिकली क्या होगा? 178.7, यहाँ पे भी मैं यूनिट्स लिख देता हूँ, K
किलो जूल पर केजी, ठीक है। सीपी ऑफ वेपर -20 के ऊपर देखोगे आप, तो -20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सीपी ऑफ वेपर, ये देखिए सीपी ऑफ वेपर सीपीजी 0.61 होगा, ओके, प्लस 0.61 इंटू T2 अननोन है, ठीक है। ये मिस्टेक मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ कि जितना डिग्री ऑफ सब कूलिंग होगा उतना ही सुपर हीटिंग नहीं होगा, क्योंकि सीपी लिक्विड और वेपर का क्या है, अलग अलग है। तो T1 -20 डिग्री सेल्सियस है, तो -20 को क्या हम 253 केल्विन लिख सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस, ओके। सो इसके केस के अंदर आपका अननोन क्या क्या है, अननोन है S2 और यहाँ पे अननोन फैक्टर क्या है, यहाँ पे अननोन फैक्टर है आपका T2, ठीक है। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब हमें जब T2 निकालना है, तो T2 निकालने के लिए हमारे दिमाग में क्या आएगा कि S2 और S3 क्या है, 2-2-3 प्रोसेस क्या है, आइसेंट्रॉपिक, ओके, 2-2-3 आइसेंट्रॉपिक कंप्रेशन है। सो आइसेंट्रॉपिक कंप्रेशन, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि S2 एंड S3 क्या होंगे, सेम होंगे। तो S2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, S3, करेक्ट है। बट 0.2 और 0.3 दोनों का स्टेट क्या है, ये भी सुपर हीटेड स्टेट में और ये भी सुपर हीटेड स्टेट में है, तो 2 और 1 सेम प्रेशर पे हैं, तो क्या मैं ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ इसके लिए, SG1 प्लस CP ऑफ वेपर LN T2 अपॉन T1, करेक्ट है। और इसके लिए मैं फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ, SG4 प्लस CP ऑफ वेपर LN T3 अपॉन T4। बट एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, अभी तक जो गेट के अंदर या क्वेश्चंस आए हुए हैं या मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आप देखते हैं, तो उसमें सीपी ऑफ वेपर की वैल्यू एक ही दे रहा था आपको। जैसे अगर आपको लास्ट क्वेश्चन भी ध्यान होगा, तो लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी सीपी ऑफ वेपर एक ही दे रखा था, CO2 का, ठीक है। इस केस के अंदर जब आप टेबल को ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे 0.61 और ये 0.755 दे रखा है, तो डिफरेंट टेम्परेचर पे। तो इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से सीपी ऑफ वेपर की वैल्यू कहाँ पे यूज होगी। तो ये वाला सेक्शन किसके ऊपर है, इवापोरेटर के ऊपर है, करेक्ट है। और ये वाला सेक्शन किसके ऊपर है, कंडेंसर प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो देखिए 3, 4, 5, 6 ये कौन सा है, कंडेंसर प्रेशर। 7, 1, 2 ये कौन सा है, इवापोरेटर प्रेशर, ओके। सो अब हम इसके अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं, तो इसकी वैल्यूज को हम यूज करते हैं, टेबल देखिए। तो -20 डिग्री सेल्सियस पे SG 0.7088, ओके, 0.7088 CP ऑफ वेपर यही सेम होगा, 0.61 LN T2 तो अननोन है, T1 की वैल्यू कितनी है, 253, ओके। T2 को मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि वो अननोन है, अलग से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। SG4 पॉइंट कहाँ पे था, 4 पॉइंट आपका था कंडेंसर के ऊपर, और ये सैचुरेटेड वेपर के ऊपर है, ठीक है। सो कंडेंसर का डाटा देखिए, 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर SG ये कितना है, 0.6812, ओके। सो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.6812 प्लस CP ऑफ वेपर। CP ऑफ वेपर की वैल्यू क्या है, अलग है, देखिए 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर CP ऑफ वेपर कितना है, 0.755, ओके। सो प्लस 0.755 LN। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, एक और प्रॉब्लम क्या आ गई कि कोरस्पॉन्डिंग टू 3 पॉइंट द टेम्परेचर वैल्यू इज अननोन, तो T3 की वैल्यू दे नहीं रखी है। तो इसका मतलब आपको समझ आया कि हम तो आए थे T2 को फाइंड आउट करने के लिए बाय यूजिंग आइसेंट्रॉपिक कंप्रेशन प्रोसेस, ओके। बट इसके केस के अंदर प्रॉब्लम क्या आ गई, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो प्रॉब्लम क्या आ गई कि T3 की वैल्यू क्या है, अननोन है, ओके। तो अब हम देखेंगे आगे क्या करते हैं, अपॉन T4 की वैल्यू कितनी है, T4 है 45 डिग्री सेल्सियस, ओके। बट यहाँ पे ध्यान रखना है 45 नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं हो रहा है, इसकी तरह में यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, तो 45 डिग्री सेल्सियस ये कितना हो जाएगा, 318 केल्विन, ओके। सो मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूँ, तो सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, परफेक्ट। अब हम चलते हैं आगे। अब जो T3 है वो S3 की वैल्यूज़ में भी आएगा, ठीक है, और S3 में भी आपको चाहिए। तो अब मैं ट्राई करता हूँ कैलकुलेट करने के लिए S3 की वैल्यूज़ को, ठीक है। सो देखिए S3 S3 पॉइंट कहाँ पे है, S3 पॉइंट भी आपका सुपर हीटेड रीजन में है, ओके। तो बट
थ्री और जो फोर प्रोसेस है वो किसके ऊपर है, कंडेंसर के ऊपर. तो एच जी फोर प्लस सी पी ऑफ वेपर किस पे, कंडेंसर पे, इन टू टी थ्री माइनस टी फोर, करेक्ट है. सो एच जी फोर उसके लिए आपको टेबल दे रखी है, तो आप टेबल देखिए. देखिए एच जी फोर टेबल की वैल्यूज 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एच जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 204.9, ठीक है. सो यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 204.9 सी पी ऑफ वेपर कंडेंसर का, सी पी ऑफ वेपर कंडेंसर के ऊपर 0.755. ओके, टी थ्री अननोन है, टी फोर की वैल्यू कितनी थी, टी फोर की वैल्यू 318. ओके, 318. और यहाँ पे अननोन आपका क्या है, अननोन है आपके पास टी थ्री. ओके, अननोन है आपके पास टी थ्री. तो मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर समझ आएंगी चीज़ें कि क्या चीज़ आपके पास गिवन है और क्या चीज़ नहीं है, ठीक है. तो आप देखिए प्रोसेस, हमने क्या करा, हमने एच वन निकाला, वो तो डायरेक्टली दे ही रखा था आपको क्वेश्चन के अंदर, ठीक है. जब एच टू निकालने गए तो हमको प्रॉब्लम कर दी किसने, हमको प्रॉब्लम कर दी टी टू ने. और मिस्टेक मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि इसमें सब कूलिंग का टेम्परेचर दे रखा है 20, ठीक है. सब कूलिंग 45 से 25 गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी सुपर हीट 20 ही होगा, क्योंकि लिक्विड और वेपर की वैल्यू स्पेसिफिक हीट की क्या होती है, डिफरेंट होती है. वो ऑलरेडी मैं पहले ही आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि क्या क्या मेजर मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है. सो टी टू, फिर हम गए टू और थ्री आइसेंट्रॉपिक के पास, तो वहाँ पे उसके केस में एक और दिक्कत क्या होगी कि टी थ्री की वैल्यू अननोन है. फिर इसके पास गए हम यहाँ पे, तो टी थ्री, तो उसके केस के अंदर क्या अननोन हो गया कि यहाँ पे एस थ्री भी अननोन है. तो अगर आपको ये शुरू में क्लिक कर जाता है, ठीक है, तो कि ये क्वेश्चन हीट एक्सचेंजर का है, तो उस केस में आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से भी करें, ठीक है. आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एंथैल्पी राइज और एंथैल्पी ड्रॉप को इक्वेट करके और वहाँ से आंसर निकाल सकते हैं H2 को, ठीक है. बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग वे से उसको सोचेंगे, ठीक है. अब हम चलते हैं फोर के पास. फोर पॉइंट कहाँ पे है, सैचुरेटेड वेपर पे है, तो HG हो जाएगा, ठीक है. अब हम स्टेप बाय स्टेप वैल्यूज निकालते हैं सारी एंथैल्पीज की, ठीक है. सो H4 ये क्या हो जाएगा, HG4, ठीक है. सो 204.9 किलो जूल पर केजी, ठीक है, किलो जूल पर केजी. अगर अब नेक्स्ट पॉइंट देखें, पॉइंट नंबर 5, तो पॉइंट 5 कहाँ है, सैचुरेटेड लिक्विड के ऊपर है, ठीक है, सैचुरेटेड लिक्विड. यहाँ देखिए, सो 0.5 कंडेंसर प्रेशर के ऊपर है 45 डिग्री सेल्सियस पे और सैचुरेटेड लिक्विड पे है. तो सैचुरेटेड लिक्विड पे अगर वो है तो उसकी वैल्यूज का देखते हैं, HF दिस 79.7. ओके, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 79.7 किलो जूल पर केजी, ठीक है. तो इस वैल्यूज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि मेरे को ज़रूरत पड़ेगी. सो H4 की वैल्यू कितनी आई, 204.9, ओके, यूनिट्स किलो जूल पर केजी. ये कितना आया, 79.7, ये भी कितना आया, किलो जूल पर केजी. अब H6 के पास चलते हैं, ठीक है, 6 पॉइंट पे. और 6 और 7 थ्रॉटलिंग है, तो इसका मतलब वहाँ पे 6 और 7 की एंथैल्पी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक. H6 6 पॉइंट सबकूल्ड स्टेट में है, तो इस केस के अंदर हम उसको कैसे लिख सकते हैं, हम उसको H5 माइनस सी पी ऑफ लिक्विड इन टू T5 माइनस T6 ये लिखेंगे. देखो यहाँ पे H6 6 पॉइंट कहाँ पे है, सबकूल्ड रीजन में. तो इसके केस के अंदर 3, 4, 5, 6 ये किस पे है, सेम प्रेशर के ऊपर है, कॉन्स्टेंट प्रेशर कंडेंसर वाला, ठीक है. तो H6 की वैल्यू क्या होगी, H5 माइनस सी पी ऑफ लिक्विड, ओके, इन टू T5 माइनस T6, बट ये कंडेंसर के ऊपर है, ठीक है. सो H5 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 79.7 माइनस सी पी ऑफ लिक्विड, जो गिवन टेबल है उसे देखिए, 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सी पी ऑफ लिक्विड ये कितना रखा है, 1.02, ओके. तो ये आ जाएगा 1.02 इन टू ये कितना दे रखा है, 45, और ये टेम्परेचर ऑलरेडी गिवन था आपको क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली गिवन था, ठीक. सो ये क्या हो जाएगा, H6. तो यहाँ से आपके पास H6 की वैल्यू निकल के आ जाएगी और वो वैल्यू आएगी 59.3 किलो जूल पर केजी. और क्योंकि हम जानते हैं कि 6 to 7 प्रोसेस कैसा है, थ्रॉटलिंग, ओके, 6 to 7 कैसा प्रोसेस है, थ्रॉटलिंग है. तो थ्रॉटलिंग के केस के अंदर आपका H6 और H7 क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है, 59.3. सो अब हम इस वैल्यू को भी यहाँ पे लिख लेते हैं, 59.3, ठीक है.
तो ये वैल्यू आ गई 59.3 किलो जूल पर केजी, ठीक है। पर अब एक प्रॉब्लम आपको समझ आ रही है, प्रॉब्लम क्या समझ आ रही है कि जब मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन को रीड करिए एक बार, क्वेश्चन को रीड करता हूँ तो मेरे को उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पूछ रखी हैं। मेरे को उसमें पूछ रखा है मास फ्लो रेट, ठीक है, मेरे को उसमें पूछ रखा है कंप्रेसर का वर्क। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कंप्रेसर का वर्क। जब आप कंप्रेसर के वर्क को देखेंगे तो उसके केस के अंदर आपको टीएस डायग्राम को देख के समझ आएगा कि कंप्रेसर कहाँ से कहाँ है, 2 से 3 है, तो इसका मतलब एंथैल्पी डिफरेंस किसका होगा, S3 और -S2 का, ओके। और इस पूरे के अंदर आपने H1, H4, H5, H6 सारी एंथैल्पीज निकाल दी, सिर्फ और सिर्फ अननोन एंथैल्पीज आपकी क्या है, H2 और क्या है, H3। और जब हम इनको निकालने गए H2 और H3 को, तो H2 को निकालने के लिए T2 ने प्रॉब्लम करी, T2 को निकालने के लिए T3 भी अननोन है, इक्वेशन नंबर 2 में देखिए, और T3 को जब निकालने गए तो उसके केस में ऐसे भी अननोन है। इसका मतलब आपके पास एक साइकिल सी बन गई जिसके केस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें अननोन है। तो अब हम कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, उस प्रिंसिपल को हम यूज़ उसको कहते हैं हीट एक्सचेंजर प्रिंसिपल, ओके। तो उस प्रिंसिपल को हम कहते हैं हीट एक्सचेंजर प्रिंसिपल, जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो। तो उसका क्या कहना है कि एंथैल्पी राइज और एंथैल्पी ड्रॉप ये क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये चीज़ मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ, टेम्परेचर राइज टेम्परेचर ड्रॉप सेम नहीं करने हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा कि H5 79.7 है, ओके, 79.7 हम निकाल चुके हैं, H6 हम निकाल चुके हैं 59.3 है, ठीक है। H1 डायरेक्टली आपके पास गिवन था, हम वैल्यूज चेक कर लेते हैं एक बार H1 की, H1 की वैल्यू क्या थी, H1 की वैल्यू 178.7, ओके, 178.7, 178.7, और इसमें अननोन क्या है, S2। तो इस इक्वेशन को यूज़ करके क्या हम S2 की वैल्यूज निकाल लेंगे, यस। तो S2 की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 191.1 किलो जूल पर केजी, ठीक है। सो इसकी हेल्प से, हीट एक्सचेंजर प्रिंसिपल की हेल्प से आपने क्या निकाल लिया, H2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे द वैल्यू ऑफ H2 इन इक्वेशन नंबर 1, ओके। क्यों हम यूज़ कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि हमें T2 की वैल्यू चाहिए। T2 क्यों चाहिए, क्योंकि T2 की हेल्प से T3 निकलेगा और T3 की हेल्प से S3 निकलेगा, ठीक है। सो देखिए एक बार दोबारा देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 को। देखिए मैंने प्रॉपरली पहले से हाईलाइट कर रखा है कि ये गिवन था, सिर्फ अननोन क्या था, T2, और यहाँ पे अननोन क्या था, S2। तो आपके पास S2 की वैल्यू आ चुकी है, आप इसमें पुट करिए तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, T2 की। तो यहाँ से आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी T2 की, और T2 का आंसर आपके पास निकल के आएगा 286.4 केल्विन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे वैल्यू किसकी, T2 की, इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, जिससे हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, S3, ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ से क्या निकल के आएगा, T3 की हेल्प से निकल के आएगा S3। हम देख लेते हैं, कोई नहीं, इक्वेशन को देख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे हमने T2 की वैल्यू को पुट करा, सारी वैल्यूज नोन है, और अननोन क्या है, दूसरा पार्ट T3, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, T3 की, और T3 की वो वैल्यू निकल के आएगी आपके पास, मैं आंसर लिख देता हूँ, 364.64 केल्विन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे वैल्यू किसकी, T3 की, इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, S3। देख लेते हैं, कंफ्यूज मत होइए, आराम से देखते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर 3, T3 आपके पास आ चुका है, तो इसके अंदर अननोन क्या था, S3 और T3, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, H3, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, S3, और S3 की वैल्यू निकल के आएगी 240.1 किलो जूल पर केजी, ठीक है, 240.1 किलो जूल पर केजी। तो अब हम H2 और S3 की वैल्यू लिख लेते हैं, 199.1, ठीक है,
इसको रब कर देते हैं क्योंकि अब हम निकाल चुके हैं, ठीक है, 199.1 किलो जूल पर केजी एंड 240.1 किलो जूल पर केजी। क्लियर हुआ? ठीक, अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, पर उससे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरे इंफॉर्मेशन को, कि जिससे हम आंसर्स को निकाल सकें। सी, पढ़िए, डिटरमाइन द मास फ्लो रेट, कंप्रेसर वर्क, कंडेंसर हीट रिजेक्शन एंड सीओपी। ठीक है, सो मैं इसको यहीं पे कॉपी कर लेता हूँ उस डाटा को, ठीक है, जिससे आप आसानी से निकाल सकें। सो मास फ्लो रेट आपको निकालना है, तो मास फ्लो रेट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको समझाया था कि मास फ्लो रेट निकालने के लिए आपको क्वेश्चंस के अंदर जब आप पढ़ेंगे ध्यान से, तो या तो आपको कैपेसिटी दे रखा होगा, या फिर आपको पावर इनपुट दे रखा होगा, या आपको वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी दे रखा होगा, और अगर हीट पंप का क्वेश्चन है तो शायद उसमें कंडेंसर के अंदर भी दे रखा होगा। ठीक है, तो ऐसी कुछ एक इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। तो जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे ध्यान से, तो इसके केस के अंदर आपको सबसे पहली लाइन के अंदर रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑफ 10 TR कैपेसिटी, ओके, तो यहाँ पर रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी आपको दे रखा है। ठीक है, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, सो इसके केस के अंदर जो फर्स्ट पार्ट होगा, ठीक है, फर्स्ट पार्ट, तो RC ये कितना दे रखा है, 10 TR, TR ये कितना हो जाएगा, 3.5, तो 35 कितना हो जाएगा, किलो वाट, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट इनटू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। बट नेक्स्ट मिस्टेक जो होती है स्टूडेंट से, वो मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर ली कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भूल के भी क्या नहीं लिखना, 2-7, ये प्लीज़ ध्यान रखना। ठीक है, ये शायद आपको ऐसा लग रहा होगा मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, पर ये ही मिस्टेक होती है। ठीक है, तो 2-7 नहीं, आपको क्या लिखना है, H1-H7। सिर्फ आपके लिए मैं इसको दोबारा से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, सो देखिए, सो 35 इज इक्वल टू मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट इनटू H1, H1 की वैल्यू कितनी है, 178.7। ठीक है, हम सारी चीज़ें निकाल चुके हैं, माइनस 59.3। ठीक है, यूनिट्स चेक कर लेते हैं, यूनिट्स इस साइड में क्या है, किलो जूल पर सेकंड, किलो वाट है। ठीक है, ये फैक्टर किस में है, किलो जूल पर केजी के अंदर है, किलो जूल कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब मास फ्लो रेट जो रेफ्रिजरेंट का आएगा वो किस में आ जाएगा, केजी पर सेकंड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो मास फ्लो रेट रेफ्रिजरेंट का निकल के आएगा वो आएगा 0.293 केजी पर सेकंड। ओके, केजी पर सेकंड। नेक्स्ट, कंप्रेसर वर्क, ठीक है, और इनपुट भी निकाल सकते हैं हम, पावर इनपुट, ठीक है, और वर्क इनपुट भी बोल सकते हैं उसको, पावर इनपुट भी, क्योंकि मास फ्लो रेट रेफ्रिजरेंट का निकल चुका है, तो इसके केस के अंदर पावर इनपुट, ओके, पावर इनपुट कंप्रेसर का कितना होगा, मास फ्लो रेट इनटू वर्क इनपुट। ओके, वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर कितना होगा, 2-3 जा रहा है कंप्रेसर में, क्लियर है, 2-3, सो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, S3-S2, तो मास फ्लो रेट ये कितना है, 0.293 इनटू H3, S3 कितना है, 240.1 माइनस S2 कितना है, 199.1, ओके, 199.1, तो यहाँ से पावर निकल के आएगा 12. मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, 12.02 किलो वाट। यूनिट्स ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं, ठीक है, यही सेम चीज़ आएगी, चलो दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, कोई नहीं, केजी पर सेकंड, और स्पेसिफिक एंथैल्पी किस में है, किलो जूल पर केजी में, एंथैल्पी इसकी यूनिट देखिए, किलो जूल पर केजी के अंदर है, तो केजी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, ये किलो जूल पर सेकेंड, तो किलो वाट, क्लियर है, किलो वाट। अब और क्या पूछ रखा था, मास फ्लो रेट, पावर इनपुट, एक COP पूछा था, ठीक है, COP भी निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब तो आप कोई भी चीज़ें निकाल सकते हो, क्योंकि आपको एक बेसिक चीज़ मैंने आपको पहले ही समझा दी है, फर्स्ट TS डायग्राम, देन फाइंड आउट द एंथैल्पीज, फिर सारी की सारी चीज़ें आपकी खुद में ऑटोमेटिकली निकलती रहेंगी। सो COP क्या होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज द टर्म रिलेटेड विद इवापोरेटर, और इवापोरेटर कहाँ से कहाँ है, 7-1, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या निकल के आएगा, H1-H7 अपॉन
ये क्या निकल के आएगा, H3 - H2, ओके H3 - H2, तो इसका मतलब यहाँ से ये क्या आ जाएगा 178.7 H7। अब यहाँ से देखिए वैल्यू, यहाँ से ठीक है -59.3 डिवाइडेड बाय H3, ये कितना है 240.1, ओके और H2 कितना है H3 - H2, हाँ सही जा रहा है ठीक है -199.1 ठीक है। सो देखो दोबारा, कंफ्यूज मत होइए, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है 1 - 7 और वर्क इनपुट क्या है 3 - 2 ठीक है। तो 1 - 7 इसकी वैल्यूज और 2 और 3 की वैल्यूज मैंने यहाँ से पुट कर दी ठीक है। तो यहाँ से आपके पास COP का आंसर निकल के आएगा 2.91, ओके 2.91 डायमेंशनलेस होगा ठीक है। एक पार्ट और, कंडेंसर हीट रिजेक्शन, ओके कंडेंसर हीट रिजेक्शन, तो सिंपल फिर वही चीज़, ये सिंपल से फॉर्मूले कैसे बने, पिकअप द प्रोसेस एंड टेक द डिफरेंस ऑफ एंथैल्पीज ठीक है। कि वो देख लो आपका इवापोरेटर कौन से प्रोसेस में है, कंप्रेसर कौन से प्रोसेस के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है, कंडेंसर कौन से में कर रहा है, थ्रॉटलिंग किसमें कर रहा है। तो देखिए आप कंडेंसर कहाँ से कहाँ है, कंडेंसर 3 से 6 है या 3 से 5 है, 3 से 5, 6 नहीं लेना है। ये जो 5 to 6 और 2 to 1 ये जो सेक्शन है वो किसके अंदर है, हीट एक्सचेंजर में है, ये हीट एक्सचेंजर है, ये हीट एक्सचेंजर है। सो कंडेंसर कहाँ से कहाँ है, 3 से 5, ओके 3 से 5। तो अब देखते हैं कि मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट इनटू H3 - H5 क्लियर है। सो मास फ्लो रेट कितना था 0.293, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 0.293, ओके H3 कितना है 240.1, मैंने यहीं से वैल्यू देख ली H3 की ठीक है। H5 कितना है 79.7 ठीक है, सारी वैल्यूज आप निकाल चुके हो ठीक है -79.7। तो यहाँ से आपके पास कंडेंसर में जो हीट रिजेक्शन हो रहा है इन किलोवाट, आंसर क्या निकल के आएगा 47। तो इस तरीके से आप इनके क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे ठीक है। और ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि ऑब्जेक्टिव के अंदर नॉर्मली कई बार वो क्या गेम खेलते हैं, आपको सिर्फ वर्ड दे देते हैं कि सुपर हीटिंग सब कूल्ड हीट एक्सचेंजर या सुपर हीटिंग इन हीट एक्सचेंजर, और फिर सुपर हीटिंग अगर दिया तो सब कूलिंग मेंशन नहीं करा क्वेश्चन में, या सब कूलिंग अगर दिया तो सुपर हीटिंग मेंशन नहीं करा। तो उसके इसमें कई बार ऐसा हो सकता है मे बी कि जल्दबाजी में आपसे गलती से ऐसा हो जाए कि सुपर हीटिंग दे रखा है तो सिर्फ आप सुपर हीटिंग बना दें, सब कूलिंग नाम बनाए, या सब कूलिंग दे रखा है तो सुपर हीटिंग नाम बनाए, तो उस केस में आपका आंसर गलत आएगा। तो सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि अगर हीट एक्सचेंजर है तो उसके केस के अंदर दोनों चीजें क्या होंगी, साइमल्टेनियसली सुपर हीटिंग भी और सब कूलिंग भी ठीक है। एंड बोथ आर द कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एक्सचेंजर डिवाइस, सुपर हीटिंग के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, सब कूलिंग के अंदर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, अबव सैचुरेटेड वेपर और इस साइड में बिलो सैचुरेटेड लिक्विड, वो डेफिनेशन भी मैंने आपको पहले ही लिखवा दी है ठीक है इवापोरेटर के अंदर। और दोनों चीजें क्या होंगी, साइमल्टेनियसली, और एक और सबसे बड़े मिस्टेक कि टेम्परेचर राइज टेम्परेचर ड्रॉप के इक्वल नहीं होगा। आप सिंपल सा ये चीज देखिए ना, अगर टेम्परेचर राइज टेम्परेचर ड्रॉप के इक्वल होता ठीक है, अगर टेम्परेचर राइज टेम्परेचर ड्रॉप के इक्वल होता तो इतना सारा चीज़ें आपको करनी नहीं पड़ती, सीधा ये 45 से 25 है, 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस, तो ये भी 20 का डिफरेंस कर देते आप सीधा ठीक है, फिर तो आंसर क्वेश्चन कुछ बचता ही नहीं, फिर इतनी सारी क्वेश्चन आपकी बनती ही नहीं ठीक है। सो हीट एक्सचेंजर के क्वेश्चन को इस तरह से आप प्रोसीड करेंगे ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी हम क्वेश्चन जो करेंगे वो VCRS से ही करेंगे, पर कुछ और नए डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।